इनके बाला खाना में आके चेक कर लें, ये उसका भी खाना खराब कर देंगे जैसे मुल्क का खाना खराब किया है इन्होंने। ये इन्होंने भूखना है, जवानी चेक करानी है ना तो उसकी चेक कराएं जो सैटरडे को आई है। ये जो जवानी की बात कर रहे हैं ना, ये अपनी नानी को दिखाएं जो इनको पता लगे कि किस भाव बिक रही है। तो कहता किसी को अगर मेरी यूथ पर शक है तो मेरे बाला खाना में आके चेक कर ले। देखें जी, ये स्टेप कर रहा है मरियम नवाज वाले, जैसे वो लगती है ना सर्जरी वगैरह करवा के वो आ जाती है कि 25 साल की लग रही है, वैसे ये समझता है मैं भी लग रहा हूँ, लेकिन इसकी ये सूरत हाल नहीं है। वो मेरे बाला खाना में आके चेक कर ले, सवाल ही गलत पूछा गया उससे। उसको कहना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था मेरी बुढ़ी को देख लो, वो लगती है कोई बूढ़ी, उधर का सदर भांजे बड़ी बात है, गली चो कोई नहीं पूछता, वो कह रहे अगे का ना जवाब खुद ही दे दिया ना, चेक कर ले तो चेक तो करना बनता है ना जी। पहले उसे अपनी वाइफ को तो संभाल दे, वो संभाली नहीं जा रही उसे, तो इसने मुल्क क्या संभाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, सफदर कैप्टन को कैप्टन सफदर कर लेते हैं, कैप्टन सफदर को यूथ का, आल पाकिस्तान यूथ का सदर बना दिया नून लीग ने। और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप पर एलिगेशन है कि आपको यूथ का सदर बनाया गया, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो कैप्टन सफदर साहब ने आगे से जवाब दिया कि अगर मेरी यूथ पर किसी को शक है वो मेरे बाला खाना में आ जाए और आकर चेक कर ले। यानी ये कहना चाहिए उनको, ऐसे अल्फाज बोल देते हैं सियासतदान कि पता नहीं लगता कि जवाब क्या देना है क्या नहीं देना। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करो। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ, मोबाइल गुम हो, जदों आओ मोबाइल गुम, बस मोबाइल चलाना और की करिए। मोबाइल चलाना, कितने बंदा को रक्षा चलाना जा के बच्चों लिए रोजी कमांदा है। अल्लाह पाक दी जात जिन्हां नूं रक्षे दित्ते नूं चला रहे, सानूं वह दित्ता सी, ते बेहतरीन काम सही चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह, बहुत अच्छी गल है और सही सोहने लग रहे हो अज, शुक्र अल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਕੋ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ ਯੂਥ ਕਾ ਸਦਰ, ਯਾਨੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਾਫ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯੂਥ ਕਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਆਪਕੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪ ਪੇ, ਤੋ ਕਹਤਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਪੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ। देखें जी, ये स्टेप कर रहा है मरियम नवाज वाले, जैसे वो लगती है ना सर्जरी वगैरह करवा के वो आ जाती है कि 25 साल की लग रही है, वैसे ये समझता है मैं भी लग रहा हूँ, लेकिन इसकी ये सूरत हाल नहीं है। इसकी ये सूरत हाल नहीं है, ये सूरत, लेकिन ये क्यों कह रहा कि चेक कर ले आकर, यानी मतलब फिर गलत बात है ना, ये तो फिर समझ लें कि अल्लाह माफ़ करे ऐसे कामों से, तो गलत बात होती है। ये देखे ना आप, टेलीविजन पे हर बंदा न्यूज सुन रहा होता है, आप अल्फाज वो बोले ना, फैमिली भी देख रही है, आप इतने बड़े मतलब के ओहदे पे बैठे हुए हैं, बानी ये पाकिस्तान बनने वाली है, उसके शोहर हैं आप, और क्या कर रहे हैं आप, क्या लफ्ज बोल रहे हैं, क्या लफ्ज बोल रहे, क्या पैगाम है कैप्टन सफदर को? बस यही पैगाम ही गया कि कबर शबर वेख लवो हुण, तुहाडी मेहरबानी, जाओ चले जाओ इत्थों। कपड़े पान नू दूसरी गल, पहले रोटी नहीं रात नू, मक्खी भी पैंदी, तू कहंदा इतना खुश खुश ठीक है, कुछ नहीं, यकीन करो अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, हसाना जेड़ा है ना बहुत बड़ी चीज है। देखो असीं परेशान बैठे हैं, तुसीं आए सानू साथ, ऐ नेकियां ने, ऐ नेकियां। सर नाम बताएं पहले अपना। अजीम, अजीम भाई, ये ना कैप्टन सफदर को बना दिया है यूथ विंग, यूथ का सदर आल पाकिस्तान का, यानी नून लीग ने बनाया है। अब उससे एक सवाल, साहबी ने सवाल किया कि भैया आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप पे एलिगेशन है कि आपको यूथ का सदर तो बनाने नहीं चाहिए था, कहते अगर मेरी यूथ पे किसी को शक है तो वो मेरे बाला खाना में आके चेक कर ले। वो सवाल ही गलत पूछा गया उससे, उसको कहना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, मेरी बुढ़ी को देख लो, वो लगती है कोई बूढ़ी, जवानों की आइडियल है कि नहीं है, उस हिसाब से वो यूथ का सदर बनता है। आप 80% जवानों को उठा लो, उनको वो क्या कहेंगे, मरियम नवाज ही हमारी आइडियल है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब उस जैसा उसने बेहुदा जवाब दिया है, उस लिहाज से फिर उसको ऐसे ही जवाब बनता है ना, गलत तो नहीं बात कर रहे ना।
हाँ जी देखना इतने बड़े आदमी है तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो सारे ये है ये इस काबिल है कोई आप देखें हम लोगों से एक दूसरे से सवाल पहले ये इस काबिल है ये लफ्ज इन पे मैरड उतरता है इस लफ्ज का ये इस काबिल ही नहीं है इनसे क्या ये बात करनी इनसे कोई तवक्को की जा सकती है। वो ये दर्जन बना देते हैं अंडे वो किलो बना देते हैं अंडे आलू कर देते हैं दर्जन इनकी क्या बात करनी इनको तो ये मैरिट ही नहीं है। कैप्टन सफदर को पैगाम देंगे आप सर वो अपने उधर ही चला जाए मान सारे उधर का सदर बन जाए बड़ी बात है गली चो कोई नहीं पूछता वो कह रहे अगे का वो बुढ़ी नाल होवे छे कदम उन्होंने पीछे खिलौना पैंदा वो सदर बन हकीकत है कि नहीं है ये कोई मैं झूठी बात तो नहीं कर रहा कोई जुगत नहीं लगा रहा ये जेन्युइन बात है। छह आप कोई भी वीडियो स्टेज की भी उठा लें वो छह बंदों के पीछे ही खड़ा होगा बुढ़ी के और लाड़ा होगा बुढ़ी मेरी जिंदाबाद और क्या कह रहा है वो बात करते हैं ये पहले इधर ये सारे बच्चों से आ जाएं ऐसा माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर सबसे लंबा सबसे बड़ा प्ले ठीक है थोड़ा जहा इधर हो जाए लड्डू पीठियर का मुंह देना आज भी मेले में जब बोलते बंदे ने नाम बताया शहरयार साहब ये जो कैप्टन सफदर को सदर बना दिया है यूथ का पूरे ऑल पाकिस्तान का नून लीग ने तो एक साहबी ने उनसे सवाल किया कि आपको यूथ का सदर बना दिया गया है तो आप पर एलिगेशन है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं कि अगर मेरी यूथ पे शक है तो आप मेरे बालाखाना में आकर चेक कर लें। सही कह रहे हैं चेक तो करना बनता है फिर तो ये तो सही कहा कैसा जवाब देना चाहिए अपना जवाब खुद ही दे दिया ना चेक कर लें तो चेक तो करना बनता है ना जी। वैसे ऐसे गुफ्तगू सर इनके बारे में ना बात करना ही फजूल है अपने अपना खून जलाना ना तो इनकी बातें करना जरूरत ही नहीं इनकी बात की अपनी पड़ी बंदे को उनकी क्या बातें करें यार बिल्कुल सही बात वो आके मेरे बालाखाना में चेक कर ले बिल्कुल तो क्या ये कहनी चाहिए ऐसी बातें नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए पहले उसे अपनी वाइफ को तो संभाल ले वो संभाली नहीं जा रही उसे तो इसने मुल्क क्या संभाल oh, no! बस असल बात ये है यूथ कैसे संभलेगी ये ऐसे ही बात है और उसके अलावा आप महंगाई देख लें महंगाई तो भजन काबू ही नहीं कर सकते हम ओह माय गॉड एक कैप्टन सफदर को जरा मैसेज दे दें कैप्टन सफदर को क्या मैसेज दें उनको अब इशारा भी कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते वालेकुम सलाम क्या हाल है अरे क्या बात पहले ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पता है। लगा आपकी तबीयत बड़ी नासाज रही है हाँ जी वो सीटी टूट हाँ जी वो बस आपको जो सा ना नून लीग की मेरे ख्याल से नजर लग गई है आप उनके खिलाफ बोलते जो इतना अरे नहीं नहीं मैं नहीं खिलाफ बोल कैसी बात है कि हम माड़े बंदों को उनकी नजर लग जाती है हमारी बदवाएं नहीं उनको लगती ये कैसी बात है ये बताइएगा कैप्टन सफदर को बना दिया गया है यूथ का सदर पूरे पाकिस्तान का नून लीग ने बना दिया अच्छा से वाली गल पहले आई है यार वैसे आप ये चले करें आप अपनी बात पूरी करें यार मैं कुछ नहीं कहता यार इनके बारे में यार आप वैसे देखें आप माशाल्लाह नेक दिल इंसान है आपको तो 40 दिन के लिए आपकी जबान न पाक होती होगी जब आप इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम लेते होंगे। अच्छा जी आगे से ये तो चलो बात हो गई ये तो आपको वैसे ही मजा आया इस बात का कि उन्हें यूथ का सदर बना दिया गया। अब इसी तरह एक साहबी ने ना उनसे सवाल किया कि सर आप पर एलिगेशन है कि आपको यूथ का सदर बना दिया गया आपकी उम्र तो नहीं है यूथ का सदर बनने की तो उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को मेरी यूथ पे शक है तो मेरे बालाखाना में आकर चेक कर लें। इनके बालाखाना में आकर चेक कर लें ये उसका भी खाना खराब कर देंगे जैसे मुल्क का खाना खराब किया है इन्होंने। बात करने का सिर्फ इतना मकसद है कि ये पहले उसका ऑर्गेनाइजर बना दिया मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये सारी इनके उहदे अपने घर में ही बांट रहे हैं कहा था लास्ट शो में मैंने आपको कहा था। बात करने का मकसद है कि जब भी कोई बाहर से इधर आता है ना तो वो उहदा लेके आता है हमारे लिए कुछ नहीं लेके आता हमारा सब्र इनके ऊपर पड़ रहा है। और दूसरी बात आप इनसे तवक्का भी इस तरह की घटिया बात की कर सकते हैं आप अच्छी बात की उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि बात करने का एक ही सिर्फ आसान रास्ता आपको मैं बताता हूँ ये इन्होंने भोंकना है वो चाहे मीडिया पे भोंक ले चाहे अवाम पे भोंक ले हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो रस्सी है ना वो अल्लाह की तरफ से खुली हुई है
और जब इनकी रस्सी की पकड़ होनी है ना इंशाल्लाह ताला ये बाला खाना क्या इनको कब्र भी नसीब नहीं होनी। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यह कि अपने नमाज जनाजा तो उस तक पढ़ने नहीं आते। सही बात है, ठीक है, सही बात। तो ये अपनी जवानी चेक कराते फिर रहे हैं, जवानी चेक करानी है ना तो उसकी चेक कराएं जो सैचरडे को आई है, जिसने अवाम को सिर्फ मेकअप के पीछे पागल किया हुआ, कैसा पागल किया हुआ। और अवाम भी हमारे जैसी, हम क्या कहें इनको, अपनी अवाम को हम भी उनमें सारे शामिल हैं ना, जो इनके सपोर्टर नहीं भी है ना वो इनको सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। तो ये लोगों को इन्होंने क्या अपना चेक करवाना है, चेक तो कर लिया हमने 33 साल से चेक करते आ रहे हैं, उसको तो चेक नहीं करवा सका जो बेचारी यहाँ पे अपनी सर्जरी नहीं करवा सकी, बैठ जाके सर्जरी करवा रही है। सही बात है कि अस्पताल ही कोई नहीं ऐसा है भजन, अपने लिए जात के लिए इन्होंने कोई ऐसा अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि जहाँ पे अपना इलाज करवा सके, हमारे लिए इन्होंने क्या बनाना है। मेरा इनको ना लास्ट एक पैगाम है कि जो अपनी जवानी दिखा रहे हैं ना अवाम को, और न्यूज़ एंकर जो शरीफ इंसान है जो इनके पीछे लगे रहते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए, ये जो जवानी की बात कर रहे हैं ना ये अपनी नानी को दिखाएं जो इनको पता लगे कि किस भाव बिक रही है। खाली फेक तस्वीरें उतरानी सबको आती हैं, बंद कमरे का हाल वही बताता है जो अंदर होता है। बारा, बारा नाज़रीन, अपनी आने वाली नस्ल का सोचें। बिल्कुल चाहिए, अपनी आने वाली नस्ल का सोचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ, बेशक जी बेशक। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है जी, साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।